फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर हो रहे विरोध के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री ने शनिवार को 4 ट्वीट किए, इन परीक्षाओं को सही जताने ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें इन परीक्षाओं को पास करने के लिए अलग से मौका दिया जाएगा। वहीं इन परीक्षाओं को न कराने को लेकर शनिवार को कांग्रेसी नेता शशि थरूर भी समर्थन करते नजर आए। देश के सभी यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर के परीक्षाओं को कराने के लिए हो रहे स्टूडेंट के चौतरफा विरोध के बीच शनिवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने इन परीक्षाओं के समर्थन में एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतों का पालन करना सर्वोपरि है। साथ ही विश्व स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक विश्वसनीयता, करियर के अवसरों और भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित करना भी शिक्षा प्रणाली में बहुत मायने रखता है। निशंक स्टूडेंट्स को ये अक्सर आश्वस्त करते भी नजर आए कि जो स्टूडेंट्स परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे वो विशेष परीक्षाओं के जरिए शामिल हो सकते हैं। उन्होंने लिखा, यही नहीं, अगर यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित परीक्षा में टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष का कोई भी विद्यार्थी उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो उसे ऐसे पाठ्यक्रमों, प्रश्न पत्रों के लिए विशेष परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जा सकता है जो यूनिवर्सिटीज द्वारा संचालित की जा सकती है, जब भी संभव हो, ताकि विद्यार्थी को कोई भी असुविधा या नुकसान न हो। दरअसल स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि उन्हें न तो तैयारी का समय मिला, न ही उनका कोर्स इन्होंने पढ़ा। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। लगातार विरोध कर एनएसयूआई के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी उतर आए हैं। आई सपोर्ट स्ट्रांगली द एनएसयूआई कैंपेन कॉलिंग फॉर न्यू एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिस कोविड लॉकडाउन पीरियड। इफ द आईआईटीज कैन प्रमोट देयर स्टूडेंट्स विदाउट एग्जामिनेशंस, व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज। कंडीशंस आर डिफिकल्ट, स्टूडेंट सेफ्टी makes examinations impracticable, and in many cases the circumstances of lockdown prevent students from accessing their places of study, their libraries and even their examination centers. दिल्ली सरकार ने अपने राज्य में यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। वहीं दिल्ली के सीएम ने कहा कि वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर पीएम को खत लिखेंगे और उनसे भी परीक्षाएं कैंसिल करने की मांग करेंगे। और कई सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, वो उनको अलग से चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिया है, के लिए लिया है, राज्य के विद्यालयों के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चितता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सके। इस चौतरफा विरोध के बीच अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में परीक्षाओं का क्या भविष्य होता है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।